माध्यम से हम आपको बताने वाले कि अगर आप आय जात मूल निवास खुद ही अपने घर बैठे बनाना चाहते हैं, अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। आपको कहीं किसी सीएससी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर बैठे ही बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ये देखिए लॉग इन पेज है, आपको इस पेज पर आ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसे ही आप विजिट करें तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन दिखा है, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सीएससी केंद्र है और जो सीएससी केंद्र संचालक हैं, क्योंकि उनके पास ई डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने वाला सिटीजन लॉगिन, देखिए आपको करना क्या, इसी सिटीजन लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और जो ओटीपी है या पासवर्ड है वो डाल के एक सुरक्षा कोड भर के आपको सबमिट कर देना और आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप पहली बार इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं, तो देखिए आपको इसे करना क्या है, आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र, अब देखिए आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है जो भी आप भरना है, आधार बेस से ही भर रहे हैं अपने, क्योंकि आप अपना जो भी है डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये एक तरीका से हम भी एक रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जिससे अगर बाई चांस से गलत डिटेल तो फिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी देखिए यहाँ पर 6 से लेकर 8 करेक्टर के बीच में ही रहना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, तो देखिए लॉगिन आईडी कुछ इस तरह से रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना रखी है, देखिए इस तरह से है, आपको इस फॉर्मेट में बना लेनी, मतलब 8 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से बना लें। उसके बाद जैसे उसके बाद आपको यहाँ पे उपलब्धता की जांच जरूर चेक कर लें, अगर आपकी कहीं दूसरे लोगों ने तो नहीं बना रखी है, अगर आपकी दूसरे लोगों ने बना रखी है तो आपकी मान नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना, आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या लगती है वो फिल कर देनी है, लिंक क्या है, मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ पर फिल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए आपका जो भी स्थाई पता है, यानी जो आधार कार्ड पर जो पता लिखा है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद देखिए आपका एरिया पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप यहाँ पर देखिए उसके बाद जिला का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सर्विस डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, आप इंडिया लेवल की सर्विस ना ही ये स्टेट लेवल की सर्विस है। अब यहाँ पर देखिए आप किस स्टेट की आप ये सर्विस लेना चाहते हैं, देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके सामने, सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है जो आपके पास चालू हो और आपके पास मौजूदा हालत में हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाता है, वही ओटीपी आपका लॉगिन आईडी जो लॉगिन पासवर्ड होता है वही होता है, और आपको ये सुरक्षा कोड यहाँ पर इशू हो रहा है वही आपको यहाँ पर फिल करके आपको सब सुरक्षित वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे देखिए आप सुरक्षित कर देंगे, ओटीपी आपके मोबाइल पर भेज दिया गया, अब वापस आपको उसी होम पेज की तरफ आ जाना है। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है, जो यूजर आईडी आपने जो अभी आपने बनाई है वही आपको फिल करनी है, और जो ओटीपी आपके फ़ोन पर आया है वो आपको यहाँ पर फिल करके ये सुरक्षा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ सुरक्षा कोड ये फिल कर देंगे और यहाँ से बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे देखिए आप यहाँ पर सबमिट कर दें, देखिए आप इस पोर्टल पर लॉगिन होकर आ चुके हैं, देखिए आपकी सारी सर्विसेज हैं, देखिए यहाँ पर आप इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, सारा पोर्टल लॉगिन है और खुल चुका है। यहाँ पर देखिए आपको मान लो कि आप यहाँ पर जात प्रमाण पत्र हिंदी में या फिर जात प्रमाण इंग्लिश में, फिर देखिए आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन, निवास प्रमाण पत्र का, दिव्यांग प्रमाण पत्र का, हैसियत प्रमाण पत्र का, आप देखिए इनमें से कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं। मान लो कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो देखिए प्रोसेस अभी का सेम है, मान लो डोमिसाइल बनाना चाहते हैं आपको डोमिसाइल वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करें वैसे देखिए आपके सामने निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अब देखिए आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है जो भी नाम यहाँ पर डालना, देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी में भरें, आपको यहाँ पर हिंदी में फिल कर देना है, और यहाँ पर प्रार्थी का नाम जो भी लगता है वो आपको इंग्लिश में फिल कर देना। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देख लेना आप गाँव से या फिर शहर से हैं, तो देखिए ग्रामीण से इसलिए मैंने ग्रामीण पे क्लिक रहने दिया। अब यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देना है जो भी लगता है हिंदी में ही फिल करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे माताजी का नाम क्या लगता है वो आपको फिल कर देना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार कार्ड के हिसाब से आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपका गाँव का नाम क्या है, जन्म स्थान कहाँ हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद देखिए इनमें यहाँ पर पता आ जाएगा, इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर देखिए पता का, तो देखिए यहाँ पर मकान नंबर और मोहल्ला दोनों में से आप एक चीज़ फिल कर सकते हैं, अगर शहर से हैं तो आपको दोनों की चीज़ फिल करनी है, अगर आप गांव से हैं तो देखिए आपको मकान नंबर या फिर मोहल्ला में दोनों में से एक चीज़ फिल कर सकते हैं। मोहल्ले में आप अपने गाँव का ही नाम डाल दें चल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट ही है, अब यहाँ से आपकी तहसील क्या है आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा, जो भी तहसील है आपकी सिलेक्ट कर लें, और आपका थाना क्या लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए आपका गांव कौन सा लगता है वो आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना, और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि निवास की अवधि क्या है, यानी कि आप जन्म से रह रहे हैं या फिर आप कुछ ही समय से रह रहे हैं, तो देखिए आपको वर्ष जन्म से रह रहे हैं तो आपको जन्म सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता, यानी कौन सी चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ रही है, तो देखिए आपको स्कूल के लिए पड़ रही है तो आपको यहाँ पर स्कूल हिंदी में लिख देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा क्या इससे पूर्व आपका निवास पत्र, यानी कि यहाँ पर पूछा जाए कि आपका पहले कभी आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है,
अगर हुआ है तो आपको हाँ कर देना, हाँ करना है तो आपको वो नंबर फिल कर देना। अगर नहीं हुआ, पहली बार बना रहे हैं, तो आपको नहीं वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। और यहाँ पर देखिए आवेदन कल का भुगतान है ना, वो आपको यहाँ पर हाँ ही रहने देना, आपको नो नहीं करना। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शीर्षक देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देना। उसके बाद देखिए आपको स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र होता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको फिल कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद देखिए आपको करना क्या, तीन प्रूफ आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा प्रूफ आपका आधार कार्ड रहेगा। आधार कार्ड में देखिए आपको या फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हैं या फिर वोटर पहचान पत्र भी लगा सकते हैं, फिर तो आपको अन्य वाली पर क्लिक करनी है। अन्य वाली पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको क्या आधार कार्ड फिल कर देना, यानी हिंदी में आधार कार्ड लग देना और यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देना। तो देखिए इतनी जानकारी फिल करके हम यहाँ पर ये सारी जानकारी फिल करके दर्ज कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट शो होंगे। देखिए मैंने अपलोड कर दिए, और ध्यान रखना है फोटो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो अन्य फाइल है जैसे मान लो घोषणा पत्र है और या फिर आधार कार्ड है, तो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे एक दर्ज का ऑप्शन देखेगा, आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे देखिए आप दर्ज कर देंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर देखिए इशू कर दिया गया है आपका। तो देखिए आपको इस नंबर को नोट करके रख लेना है। उसके बाद देखिए जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो आपको सामने यहाँ पर शो होने लगी। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए आपको एक तो प्रिंट का ऑप्शन देखने का मिलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। अब देखिए आपको पेमेंट करनी है, देखिए पेमेंट करने के लिए आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं यानी कि आपका जो ATM कार्ड उससे पेमेंट करते हैं तो आपको 18 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर शो होगा, अब यहाँ पर आपको सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए जैसे आप सबमिट पर करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर लगा प्रोसीड विद पेमेंट। देखिए आपको क्या प्रोसीड विद पेमेंट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए आपके सामने इतने पेमेंट मोड ओपन होकर आ चुके हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, QR कोड से भी या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे के पास ATM कार्ड भी है, UPI कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपको UPI सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर भीम UPI पेमेंट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन 15 रुपये करेंगे तो हम प्रोसीड विद पेमेंट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। देखिए अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो आपको UPI ID की और दूसरा पेमेंट है आपको QR कोड। अब देखिए आपको कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर UPI ID डाल के डालना है तो आपको UPI ID डाल देना, अगर आपको QR कोड स्कैन करना है तो आपको QR कोड कर लेना। देखिए मैं आपको QR कोड स्कैन करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर QR कोड पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये शो होने लगा। अब आपको अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अब आपको स्कैन करके आप चाहे गूगल पे चाहे फोन पे चाहे UPI किसे भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको जो भी प्रोसेस करना है आपके फ़ोन में प्रोसेस होगा। उसके बाद जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी। तो देखिए पेमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पर पेमेंट जैसे कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ पर पेमेंट सामने इस तरह की रेसिपिएंट इशू कर दी जाएगी। आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हो, और देखिए कितना पेमेंट कटा है वो देखिए आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है, अब देखिए आपको इसे प्रिंट करना है, प्रिंट कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिए आप वापस उसी होम पेज की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा आवेदन प्रिंट करें, फिर आवेदन की सूची देखना चाहते हैं कि मतलब आपने कौन सा आवेदन किया है, तो आवेदन सूची वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये नंबर है, और देखिए निवास प्रमाण पर अप्लाई किया आपने, अप्लाई फॉर कंसर्न ऑफिस यानी कि आपका तहसील पर आप भेज दिया गया। आपका जैसे ही पास हो जाता है तो आपका इशू कर दिया जाएगा। अगर आपको रसीद डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पर रसीद प्रतिलिपि वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। वही आपको अपना जो इशू नंबर हुआ है आपका आवेदन नंबर वही आपको डाल के यहाँ पर सुरक्षित